और अब एक बड़ी खबर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला की मां ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया है। जातिवाद के खिलाफ रोहित की मां ने यह फैसला लिया। बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं सालगिरह के मौके पर आज मुंबई में वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगी। अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश तुदार जुड़ गए हैं इस वक्त। कमलेश, क्या कुछ अभी रोहित वेमुला का परिवार कह रहा है इस पूरे मामले पर? रोहित वेमुला का परिवार थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगा और आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती का जो प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ पर, उस प्रोग्राम में शरीक होकर आज वो बौद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे। इस बात को भी यहाँ पर मेंशन करना हुआ कि जिस तरह से पूरा विवाद हुआ था हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाद में, तो रोहित की जाति को लेकर भी काफी सवाल उठे थे कि क्या वो दलित है या नहीं है या ओबीसी है। इन सब मुद्दों को लेकर उसके परिवार में हर बार ये, लेकिन आज बौद्ध धर्म का स्वीकार करके मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर भी इस प्रोग्राम में होंगे यहाँ पर, उनका वो यहाँ पर आएंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कमलेश, वैसे तो किसी भी धर्म का चुनाव करना किसी भी व्यक्ति का निजी हक है, उसका मौलिक हक है, लेकिन ऐसे में जब ये मुद्दा उठा और उसके बाद अब ये कदम सामने परिवार का आ रहा है, तो यकीनन सियासत भी इस पर होगी। बाकी राजनीतिक दल किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं? फिलहाल तो कोई राजनीतिक पार्टियों इससे इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रही है, लेकिन जिस तरह से 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म का स्वीकार किया था और उसी अम्बेडकर आइडियोलॉजी को आगे लेने की बात रोहित वेमुला उनके संगठन के माध्यम से कर रहे थे, और जिस तरह से बाद में जिन किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने ये बात कही थी रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर, तो फिलहाल तो इसको लेकर कोई टिप्पणी करने से बच रहा है। लेकिन जिसके एक रोहित की परिवार का क्या क्या भूमिका रहेगी, वो किस तरह की भूमिका सामने रखते हैं धर्म परिवर्तन करने के बाद, उसको लेकर शायद कोई राजनीतिक बयान आ सकते हैं। वहीं देश भर में अंबेडकर की विरासत को लेकर जो सियासत चल रही है उसे लेकर आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से की बात। अंबेडकर जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसा लगता है कि पार्टियों के भीतर होड़ है कि अंबेडकर की जो विरासत है उसको कौन सी पार्टी अपना बनाने की होड़ में है हर पार्टी। हमारे साथ हैं रामविलास पासवान। पासवान जी, ये बताइए कि ऐसा लगता है कि सारी पार्टियों के बीच में अचानक ऐसी होड़ शुरू हो गई है कि अंबेडकर हमारे हैं, अंबेडकर हमारे हैं, ऐसा? देखिए, हर आदमी चाहता, हर आदमी कहे कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, लेकिन माँ तो उसी की होती है जिसकी माँ है। लोक जनशक्ति पार्टी आज से नहीं, जब से लोक जनशक्ति पार्टी की पैदाइश हुई 28 नवंबर 2000 से, और उसके पहले जो दलित सेना था 1983 से, हम तब से बाबा साहेब अम्बेडकर की सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। और हमने शुरू में ही कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मसाल जिस दिन बुझने लगेगा, रामविलास पासवान अपना खून देकर के भी मसाल को जिंदा रखेगा, हम बुझने के लिए नहीं देंगे। आज हम क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं और NDA में, और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए जितना किया है कोई सरकार जो है, कांग्रेस भाषण देती है। कांग्रेस कह रही है कि दलित वोट बैंक के लालच में आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मायावती भी दलित, यदि दलित वोट बैंक के लालच में कर रहे हैं तो कांग्रेस ने क्यों की? इसका मतलब उनको दलित वोट नहीं चाहिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डर से आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक इमेज बन गई थी सरकार की? राहुल गांधी कहते हैं कि सूट बूट की सरकार है, तो दलित और किसान विरोधी इमेज से छुटकारा पाने के लिए तो नहीं है? अभी तो आप इन लोगों ने लिखा कि साहब ये सरकार क्या कहते हैं, किसान की सरकार हो गई है, राहुल गांधी और धोती। अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, हम उन पर कमेंट हम नहीं करेंगे। तो 125वीं जयंती आज, लेकिन इसके साथ ही देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला का परिवार हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर रहा है और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने के लिए पहुंच रहा है, इस पर भी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। लेकिन इस बीच आज ही मायावती ने भी अम्बेडकर के मुद्दे पर सियासी दाव खेला। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने रोहित वेमुला की अंबेडकर से तुलना को गलत बताया और कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ साजिश की थी, जबकि बीजेपी के यूपी राज्य अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल दिया। प्रकरण के मामले में फर्जी फसाया गया तो तब उसके बाद फिर सन 2004 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की बनी सरकार ने मेरे इस मामले को जानबूझकर कई वर्षों तक इसको लटका के रखा था। CBI के जरिए इसको जानबूझकर कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान लटका कर रखा था। तब फिर मुझे मजबूरी में न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं
तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। और इस वर्ष भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस वर्ष तो कुछ ज्यादा ही इनकी नाटकबाजी हमें देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना श्री रोहित वेमुला से करना, तो ये सब उनकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान व्यक्तित्व के बारे में सही जानकारी ना होने को ही दर्शाता है। जबकि सही मायने में इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना साउथ अफ्रीका के श्री नेल्सन मंडेला से और यहाँ अपने देश में माननीय श्री कांशीराम जी से करनी चाहिए थी, जिन्होंने इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत, हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था, दो दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। द शो इज परफेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी, इट्स नॉर्मल एंड इट्स कूल लाइक ऑलवेज। लिटिल बेबी कॉल्ड द आईफोन एसई हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड वी गॉट आवर हैंड्स ऑन इट। वी हैव टोल्ड यू अ लॉट अबाउट द फोन, रीजंस टू बाय इट एंड